इस सवाल पे ध्यान दो। स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ड्रम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी हो तो ड्रम की ऊंचाई ज्ञात करके लिखें। ध्यान दो, सवाल को अगर हम ढंग से पढ़ें तो क्या दिख रहा है? स्टील के पतले शीट, चद्दर यानी पतली शीट जो है, उससे बना एक ढक्कन सहित, देखो यहाँ पर ढक्कन सहित बोला, यानी अगर इसका एक रफ डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। एक बेलनाकार एक ड्रम है, ढक्कन सहित बोला यानी नीचे का तल तो है ही, ढक्कन सहित बोला यानी ऊपर का तल भी है क्योंकि यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ, यानी असल में ये एक बेलन है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों, इसके दोनों तल हैं। अब इसमें क्या जानकारी और दिया हुआ है? ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास दिया हुआ है। व्यास, व्यास यानी अगर ये वृत्ताकार है तो ये उसका डायमीटर है, यानी व्यास, व्यास दिया है 28, यानी डी का मान, डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास कितना होगा? वो हमेशा डायमीटर का आधा होता है, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो अर्धव्यास हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। आर का मान, आर का मान मिल गया 14 सेंटीमीटर। ड्रम तैयार करने में यदि इस ड्रम को, इस टोटल ड्रम को बनाने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी है, यानी इस टोटल ड्रम को बनाने में अगर 28216 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर चद्दर लगी है, इसी लाइन पे इस सवाल का आंसर भी छुपा हुआ। अगर इस लाइन का मतलब समझ जाओगे तो आंसर बड़ी आसानी से निकाल लो। देखो क्या बोला है, इसको तैयार करने में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील का शीट लगा है, तो असल में ये क्या है 2816, ये क्या है 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आयतन है? नहीं है, वो तो तुम्हें इकाई से ही समझ जाएगी क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन की इकाई हमेशा क्यूब में होगी। तो क्या ये इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल है या इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, इन दोनों में से कौन सा है? तो देखो सवाल में बोला हुआ इसे पूरा तैयार करने में इतना शीट लगा यानी चद्दर लगा, तो पूरा अगर बोला है तो ये समग्र तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी ये समग्र तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। और समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है समग्र तल का क्षेत्रफल 2πRh+R, यानी समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πRh+R, ये असल में दिया हुआ है 2816, क्लियर। अब इस फॉर्मूला में हमें किसका मान मालूम है और किसका मान नहीं मालूम? देखो 2 ही है, पाई का मान हमें मालूम है 22/7 या 3.14 मान सकते हो, आर का मान दिया हुआ है हमने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर है, एच का मान नहीं मालूम, और सवाल में देखो ध्यान से हमें एच ही निकालना है, हमें पूछा गया है कि इस ड्रम की ऊंचाई कितनी होगी, यानी एच का मान निकालना, क्लियर। तो जो जो मान मालूम है डालेंगे, एच का मान निकाल लेंगे। तो हल करते हैं, 2 × 22/7 इंटू आर है 14, एच का मान नहीं मालूम, आर का मान 14 इक्वल टू 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, इकाई हम बाद में देंगे, पहले हल कर लेते हैं। 7 से 1 कट गया 2 बार में, बचा कितना 88H+14 इक्वल टू, क्लियर। अब इसे हल कर लेते हैं, इसे हल करेंगे तो आएगा 88H+14 × 88 इक्वल टू 2816, 88H+14 × 88 करेंगे तो आएगा 1232 इक्वल टू 2816। अब ये 1232 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो आएगा क्या 88H = 2816 - 1232, माइनस करने से आएगा 1584। और 88H = 1584, तो फिर H का मान क्या होगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, H का मान होगा 1584/88। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 18 बार, यानी H का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, यानी ये जो ड्रम था इसकी ऊंचाई कितनी निकली 18 सेंटीमीटर। फिर वह तौल पे ध्यान देते हैं, एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है,
बर्तन के आधार का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर होने से बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा ज्ञात करें। तो ध्यान दो, सबसे पहले इस सवाल में हम एक चित्र बना लेते हैं। इन सब सवालों में क्षेत्रमिति के सवाल होंगे, उन सब में एक चित्र बना लेने से तुम्हें सवाल हल करने में बड़ी आसानी होगी। तो मान लेते हैं एक बेलन है, इस बेलन में क्या क्या तुम्हें मालूम है, क्या क्या दिया हुआ है। देखो, बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक। लेकिन सवाल के पहले लाइन पर अगर तुम ध्यान से देखो, सो वहां पर लिखा ही हुआ है एक मुंह खुला। एक मुंह खुला मतलब उसका एक साइड तो है, आधार है, लेकिन ऊपर वाला साइड नहीं है। तो उसके लिए समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें मालूम था समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पार्श्व तल का क्षेत्रफल, यानी 2πRh प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल, यानी इस ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों को हम लोग जोड़ते थे। लेकिन चूंकि एक मुंह खुला यानी ऊपर वाला साइड नहीं है, तो हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल जोड़ना, और ये वृत्ताकार है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यानी इस वाले सवाल में समग्र तल का क्षेत्रफल होगा 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं आएगा, 2πR स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ है एक मुंह खुला हुआ। क्लियर हुआ? यानी ये हुआ फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में का इस फॉर्मूला का मान देखो दिया हुआ है कितना, 2002। क्लियर? अब इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या मालूम है और क्या क्या नहीं मालूम। यहाँ पे 2 का मान तो मालूम ही है, पाई का मान 22/7 होता है, आर क्या इस सवाल में आर दिया है। देखो सवाल के दूसरे भाग में लिखा हुआ है बर्तन के आधार का व्यास, यानी ये जो डायमीटर है, अगर इसे सेंटर मानते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है, ये व्यास डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आर क्या होगा, वो व्यास का आधा होता है, अर्ध व्यास, यानी 14/2 जो असल में का 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। आर का मान मिल गया, तो हमें किसका मान निकालना है, सिर्फ एच का मान निकालना है, ठीक। एच का मान निकाल के हम क्या निकालेंगे, क्या हमें सिर्फ एच का मान निकाल, सवाल में क्या बोला है, सवाल में हमें बोला हुआ है कि हमें आयतन निकालना है, और आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई एच। तो ये वाला ऊंचाई तो हमें सवाल में नहीं दिया, लेकिन इस इक्वेशन को हल करके, ये जो समीकरण हमें मिल रहा है इसे हल करके हम h का मान निकालेंगे और फिर आयतन के फॉर्मूले में डाल के आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम h का मान निकालते हैं। तो क्या क्या मान मालूम है, 2 × 22/7 × 7, r का मान 7 × h प्लस 22/7 × r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इक्वल टू 2002, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ 7 से कटा, 1 7 कट गया, बचा कितना, यहाँ बचा 44h प्लस यहाँ कितना बचा 14 154 इक्वल टू 2002। अब इसे हल कर लेते हैं, 44h इक्वल टू 2002 माइनस 154, यह आएगा तुम्हारा 1848, 44h, या h का मान क्या होगा, 1848 डिवाइडेड बाय 44 कितना आएगा, 42, यानी h का मान कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, 42 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आयतन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर का मान हमें मालूम है, एच का मान मालूम चल गया, निकाल लेते हैं 22/7 × आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर × 42, ठीक है। बस आसानी से निकाल लेते हैं, 7 से इसे काट देते हैं, 1 7 बच गया, यानी 22 × 7 × 42, 6 4 6 8 cm³। 4 6 8 cm³। अब सवाल में देखो आंसर हमें निकालना है लीटर, कितना लीटर। अब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में संपर्क है, हमें मालूम। अब 1 dm³ को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 1000 cm³, यानी 1 cm³ वो होगा 1/1000 L, ठीक है। यानी यहाँ जो सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलेंगे तो 6 4 6 8
डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा, यानी ये बनेगा 6.468 लीटर। इस सवाल पे ध्यान दो। 9 मीटर ऊंचा एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज जल से भरा है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर वेग से जल निकाला जाता है, तो 36 मिनट में जल निकल जाता है, तो हौज का व्यास कितना होगा ज्ञात करके लिखें। अब इस सवाल में ध्यान दो। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। मान लो एक सिलेंडर है, बेलनाकार हौज, ठीक है, हौज या इसे मान सकते हो, हौज को एक टैंक मान सकते हो, जो कि एक सिलेंडर का आकार का टैंक है। अगर टैंक है तो इसका ऊंचाई होगा सिलेंडर का आकार का, मान लेते हैं ऊंचाई है h, ठीक है, और उसका एक रेडियस होगा, इस रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r। सवाल में क्या बोला है, 9 मीटर ऊंचा एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार हौज है, यानी इस ऊंचाई के बारे में बोल दिया, यानी h का मान दिया हुआ है 9 मीटर, क्लियर। सवाल के दूसरे भाग में बोला है 6 मीटर व्यास वाले एक पाइप से, यानी एक पाइप को इस टैंक से कनेक्ट किया गया, मान लेते हैं एक पाइप है, ये एक पाइप है जिसे इस टैंक से कनेक्ट किया गया, ठीक, और इस पाइप के बारे में क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर व्यास, यानी इस पाइप का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इस पाइप का, ये पूरा जो है d, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी इसका r दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, r है 3 सेंटीमीटर, क्लियर। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से प्रति मिनट 225 मीटर के वेग से जल निकल रहा है। देखो इस पाइप से जो है प्रति मिनट, हर एक मिनट में 225 मीटर, यानी मान लेते हैं इस पाइप की जो लंबाई जो है वो है 225 मीटर, ठीक है, हर एक मिनट में इस पाइप के अंदर 225 मीटर लंबाई तक का पानी है जो हर एक मिनट में ये बाहर निकाल दे रहा है। सवाल में ऐसे दिया हुआ, क्लियर, ठीक। अब जो सवाल में पूछा गया है कि हर मिनट, प्रति मिनट, हर मिनट में अगर 225 मीटर वेग से ये पानी निकाल रहा है, तो 36 मिनट में, 36 मिनट्स में कंप्लीट पानी जो इस हौज के अंदर था वो बाहर निकाल दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, तो फिर ये जो हौज था, टैंक था, इसका रेडियस क्या है, ये हमें निकालना, क्लियर। अब इस सवाल में देखो हमें क्या क्या मालूम है। हमें मालूम है ये जो पाइप है, जिस पाइप से पानी निकल रहा है, उस पाइप का डायमीटर यानी व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, जिससे हम आसानी से उसका आर्धी व्यास यानी आर निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, ये पाइप जो है, ये पाइप भी एक सिलिंड्रिकल आकार ही का है, एक बेलनाकार आकार का ही पाइप है, और अगर बेलनाकार आकार का ही पाइप है, तो आसानी से हम इस पाइप के अंदर मौजूद प्रति मिनट अगर 225 मीटर तक का पानी इस पाइप के अंदर है प्रति मिनट, तो आसानी से इस पाइप का हर एक मिनट का आयतन निकाल सकेंगे, क्योंकि आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, हमें एच चाहिए, एच हमें मालूम है 225 मीटर है इस पाइप के लिए, और आर हमें मालूम है 3 है, क्लियर, समझ गए। तो आसानी से हम इस पाइप का आयतन निकालेंगे, हर एक मिनट का, एक मिनट का आयतन निकालेंगे। अब चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि प्रति मिनट 225 मीटर के वेग से पानी बाहर निकाला और 36 मिनट में इसे खाली कर दे रहा है, तो अगर एक मिनट का आयतन हम निकाल लें इस पाइप का, तो उसके साथ अगर 36 गुना करेंगे तो हम निकाल सकेंगे कि इसके अंदर कितना पानी था, क्योंकि 36 मिनट में अगर पूरा पानी खत्म कर रहा है, तो 36 मिनट में जो आयतन होगा उसी के हिसाब से वो किसके बराबर होगा, वो 36 मिनट का आयतन किसके बराबर होगा, इस हौज या इस टैंक के आयतन के बराबर, क्लियर हुआ। तो अब देखो हम सवाल को किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ ख्याल करो, यहाँ ऊंचाई मीटर में दिया है, ये लंबाई भी मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आर्धी व्यास हमने सेंटीमीटर निकाला, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो मीटर है बड़ी राशि इकाई को छोटी राशि यानी सेंटीमीटर में बदल दे, या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे, ठीक है, जो तुम्हें आसान लगे। तो ध्यान दो, यहाँ जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे पाइप का अर्धव्यास, या पाइप का आर, अर्धव्यास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग मीटर में बदल देते हैं, यानी 0.03 मीटर, क्लियर। ये 0.03 मीटर क्यों हुआ, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर, तो 3/100 करेंगे तो 0.03 आएगा, क्लियर। पाइप का आर हमें मालूम है, पाइप का एच यानी पाइप की लंबाई ये कितना दिया प्रति मिनट, हम प्रति मिनट का हिसाब कर रहे हैं 225 मीटर, ये है प्रति मिनट के, ये भी हम लिख लेते हैं
प्रति मिनट, प्रति मिनट का हम हिसाब कर रहे हैं। पाइप का लंबाई h दिया है 225 मीटर, तो प्रति मिनट, प्रति मिनट पाइप का आयतन, पाइप का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला हमें मालूम है, पाइप जो है एक बेलनाकार आकार का ही है, सिलिंड्रिकल आकार का पाइप है, और पाइप अगर सिलिंड्रिकल आकार का है तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई का मान हमें मालूम है 22/7, आर का मान मालूम है कितना 0.03 का होल स्क्वायर, इंटू एच कितना है देखो 225। अब इसे काट के हम हिसाब कर लेते हैं कितना आता है, देखते हैं। डिवाइड करने से आ रहा है 0.636, आयतन निकाल लें यानी मीटर क्यूब। क्लियर, ये निकला प्रति मिनट, हर एक मिनट में इस पाइप में से कितना आयतन का पानी निकल रहा है हर एक मिनट में, वो हमने निकाल लिया। तो सवाल में क्या बोला है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, 36 मिनट में पाइप का आयतन, 36 मिनट में पाइप का आयतन क्या होगा? ये अगर एक मिनट का आयतन इतना था तो 36 मिनट में क्या होगा, 36 × 0.636 होगा। अब हिसाब करके देख लेते हैं कितना आएगा, आ रहा है 22.91 मीटर क्यूब। अब देखो ये 36 मिनट का आयतन, और सवाल में ये दिया हुआ है कि 36 मिनट में जो जो पानी निकाल रहा है वो पूरा खत्म कर दे रहा है, पहले ये पूरा भरा था, 36 मिनट पूरा खत्म कर रहा है, यानी ये जो आयतन है यही असल में किसका आयतन है, यही असल में आयतन है हौज का आयतन है, यानी ये जो आयतन निकला ये असल में किसका है, हौज का आयतन, यानी ये जो आयतन है ये किसका आयतन है, हौज का आयतन है। एक और मात्रा, ठीक। अब अगर हौज का आयतन हमें मालूम चल गया है तो हौज का आयतन का फॉर्मूला हमें क्या मालूम है, देखो ध्यान से देखो, हौज का आयतन बराबर कितना मालूम चला है, 22.91 मीटर क्यूब। ठीक है, हौज का आयतन, हौज किस आकार का है, सिलिंड्रिकल आकार का है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच आयतन का फॉर्मूला बराबर 22.91 मीटर क्यूब। क्लियर, यहाँ पे किसका मान मालूम है, देखो हमें h का मान मालूम है, r का मान नहीं मालूम, वही हमें निकालना, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं यहाँ कर रहा हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 22.91 मीटर क्यूब। अब इसे हल कर लेते हैं, हल करके आर स्क्वायर का मान निकालते हैं, आर स्क्वायर का मान क्या होगा, 22/7 ये इस तरफ जाएगा तो 7/22 होगा, 9 से डिवाइड होगा, एक बार में कर लेते हैं, ये आएगा 0.81 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद अगर r का मान क्या होगा, r होगा रूट ओवर 0.81, यानी असल में r का मान आएगा 0.9 मीटर, 0.9 मीटर है r, यानी रेडियस। देखो सवाल में क्या बोला है, हमें निकालना बोला है इस हौज का, इस टैंक का व्यास यानी रेडियस का दुगना हमें निकालना है, d क्या होगा, 2 × r होगा, तो d जो होगा डायमीटर, d होगा 2 × r, आर निकला है 0.9, तो डी कितना होगा, 2 × 0.9, ये होगा 1.8 मीटर। अब इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुना होगा तो आएगा 180 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा डायमीटर, यानी डायमीटर कितना निकला, 180 सेंटीमीटर इस टैंक का। क्लियर हुआ, समझ गए। सवाल देखते हैं, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास की लंबाई 50% कम किया गया एवं ऊंचाई 50% बढ़ाई गई, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। क्लियर, फिर से सवाल को सुनो, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास की लंबाई को 50% कम किया गया और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उसके बेलन का जो आयतन उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ये हमें निकालना है। तो इस सवाल में ध्यान दो क्या क्या दिया हुआ है, हम ये सवाल जो दिख रहा है इसमें जो है, सबसे पहले हम मान लेते हैं, मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ कि हमारे पास एक बेलन, ठीक है, एक बेलन है जिसकी लंबाई को हम h मानते हैं और अर्धव्यास को हम लोग r मानते हैं, ठीक है। फिर क्या किया गया है सवाल में कि ये जो बेलन था जिसकी लंबाई
या ऊंचाई एच थी और अर्धव्यास आर था, इसके अर्धव्यास को 50% कमा दिया गया, यानी जो नया बेलन होगा वो पतला बनेगा, ठीक, और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया, ये जो नया बेलन होगा कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसके अर्धव्यास को जो है वो 50% कमा दिया गया, यानी अर्धव्यास आर जो है उसे 50% कमाया गया इसकी तुलना में, और ऊंचाई जो था उसे भी 50% बढ़ा दिया गया, ठीक, यानी ये एच और ये एच सेम नहीं है और ये और ये आर सेम नहीं है, इसकी तुलना में 50% कमा दिया है और इसकी तुलना में 50% बढ़ा दिया। यानी सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि बेलन का अर्धव्यास आर, ठीक है, और माना कि बेलन की ऊंचाई को हम h मानते हैं, ठीक, r और h माना, अतः देयरफॉर बेलन का आयतन अगर r और h अगर बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन क्या होना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, यानी पाई r स्क्वायर h, ये होना चाहिए बेलन का आयतन, क्लियर। प्रश्न अनुसार नए बेलन का अर्धव्यास, नए बेलन का अर्धव्यास क्या होगा, इसकी तुलना में जो पहले जो अर्धव्यास था आर, उसकी तुलना में 50% कमा दिया, यानी आर में से 50% ऑफ आर कम गया है, आर में से 50% ऑफ आर माइनस हो गया, यानी इसको अगर हल करें तो आर माइनस 50% ऑफ आर, यानी 50 r/100, ये काटेंगे तो r/2 आएगा, यानी r-r/2, जिसका अगर लसा करेंगे तो यहाँ 2r-r जो असल में r/2 ही होगा, यानी नए बेलन का अर्धव्यास क्या निकला, r/2, क्लियर। और नए बेलन का ऊंचाई, नए बेलन की ऊंचाई क्या होगी, वो क्या बोला है, 50% बढ़ा दी गई है, किससे बढ़ा दी गई, पहले जो ऊंचाई थी उससे 50% बढ़ गया, यानी पहले ऊंचाई h थी उससे 50% बढ़ गया यानी प्लस होगा 50% ऑफ एच, तो इसको हल करेंगे तो एच प्लस 50/100 h, ये भी कट के 2 आएगा, यानी एच प्लस एच बाई 2 हो रहा है, इसका लसा करेंगे तो यहाँ 2h+h यानी 3h/2 आएगा, क्लियर। यानी नए बेलन का अर्धव्यास और नए बेलन का ऊंचाई हमें मालूम चल गया, यानी ये r असल में कितना है, ये है r/2 और ये h असल में क्या है, ये है 3h/2, क्लियर। तो फिर नए बेलन का, देयरफॉर नए बेलन का आयतन क्या होगा, πr²h, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा, r है ये, यानी r/2 का होल स्क्वायर इंटू h, h कौन है असल में 3h/2, जो इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, πr²/4 इंटू 3h/2, इसे दोबारा हल करेंगे तो आएगा πr²h और यहाँ कितना आएगा इंटू 3/8, या इसे हम सजा के लिख सकते हैं 3/8 πr²h, क्लियर हो। हमारा प्रश्न में देखो, यहाँ प्रश्न के लास्ट भाग में बोला है तो आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, प्रतिशत, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये निकालना है। तो आयतन में जब भी इस तरह के सवाल में जब भी हमें आयतन में परिवर्तन हो या ऊंचाई में परिवर्तन की प्रतिशत निकालना है, जब भी इस तरह के हमें सवाल मिलेंगे जहाँ पे हमें ऊंचाई में आयतन में या जनरली ये एरर कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो उसका हम निकालने का तरीका क्या, देखो आयतन में सबसे हम पहले कहेंगे आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, किसके आयतन में परिवर्तन, इस बेलन के आयतन में परिवर्तन, पहले क्या था और अब क्या हुआ, तो पहले इसका आयतन था पाई आर स्क्वायर एच और अब क्या आयतन हुआ, वो हुआ 3/8 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये है आयतन में परिवर्तन। पहले में से अभी के आयतन को अगर माइनस करेंगे तो वही उसका परिवर्तन होगा, तो इसको अगर हल करेंगे तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच वैसे ही कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा 1-3/8
और इसे अगर हल करेंगे तो यहाँ 8 - 3/8 जो 5/3 होगा, यानी बचेगा 5/8 8 - 3/8 करेंगे तो 5/8 आएगा, 5/8 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन की प्रतिशत दर कैसे निकाले? देयरफॉर प्रतिशत में हम किस तरह से आयतन का परिवर्तन निकालेंगे? वो होगा में परिवर्तन बटा पहले बेलन का आयतन इंटू 100। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। प्रतिशत में अगर निकालना है तो आयतन में परिवर्तन जो कि हमने निकाल लिया, कितना परिवर्तन हुआ है? 5/8 πr² बटा पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन मतलब जो एकदम सवाल के पहले जो बेलन का आयतन था ये πr² इंटू 100। अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग। 5/8 πr² बटा पहले बेलन का आयतन क्या है? πr² इंटू 100। अब देखो πr² दोनों कट गया तो बचा क्या? असल में बचा 5/8 इंटू 100। अब इसे अगर हल करें तो कितना है? देखो ये अगर काटें, 4 से काटें तो 2 और यहाँ कितना आएगा? 25। ठीक है, तो यहाँ पे और कितना आएगा? 125/2 प्रतिशत परसेंटेज में। और 125/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 62.12%। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ?